Hello viewers, my name is Yash and you are watching Sporttex. तो दोस्तों, अगर आप क्रिकेट के फैन हो ना, तो आपके लिए मैं इस वीडियो में भर भर के अच्छी खबरें देने वाला हूँ। साथ साथ दोस्तों अपनी मेजर स्टोरी बताऊंगा एक मेजर स्टार के बारे में जिसने रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, इसे लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले गाइस, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो अपडेट मिस ना करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करते हैं सबसे अच्छी न्यूज़ के साथ, और ये वो न्यूज़ है जिसे सुन के ना आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाने वाले हो। आपको पता है कोविड के चलते जो है क्रिकेट पे एकदम से ब्रेक लग गया था, स्पेशली हम इंडियंस को जो कि क्रिकेट प्रेमी होते हैं उन्हें बिल्कुल क्रिकेट देखने को नहीं मिला, बट ऐसे में IPL ने वापसी की। बट गाइज, अब ऐसे रिपोर्ट्स आ रही है कि 2021 में जो है आप भर भर के नॉन स्टॉप क्रिकेट देखने वाले हो, आपको क्रिकेट का भंबार देखने को मिलेगा। और वो मैं बात कर रहा हूँ टीम इंडिया के बारे में, जस्ट बिकॉज जो है टीम इंडिया 14 टेस्ट मैच, 16 ODI, 23 T20 इंटरनेशनल्स खेलने वाली है जनवरी से दिसंबर के बीच में। साथ साथ दोस्तों एशिया कप में भी भाग लेगी जून में, और बता दूं ICC T20 वर्ल्ड कप आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा ही। और साथ साथ दोस्तों सबसे बड़ी बात, आपको इंडियन प्रीमियर लीग फिर से होते हुए दिखाई देगा। तो बहुत ही अच्छी खबर है अगर आप इंडियन फैंस के लिए जो कि क्रिकेट प्रेमी बहुत ज़्यादा है। बढ़ते नेक्स्ट स्टोरी में, बात कर लेते LPL से रिलेटेड इंडियन फैंस के लिए क्या अच्छी खबर निकल के आ रही है। तो मैंने बताया था इरफान पठान के बारे में, मनप्रीत गोनी के बारे में, कैसे ये प्लेयर्स जो है आपको इस साल LPL में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। इरफान पठान के बारे में तो मैंने बताया था कैसे वो पहुंच भी गए हैं। बट गाइज, यहाँ पे एक और प्लेयर है, मुनाब पटेल का मैं बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि कन्फर्म हो गया इस साल का LPL खेलने वाले हैं, जस्ट बिकॉज कैंडी टस्कर्स ने उन्हें जो है साइन कर लिया है उनका कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं बताना चाहूँगा आपको, बहुत ज़्यादा इसके रिगार्डिंग जो है कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ऐसा कैसे। तो गाइज, यहाँ पे IPL की तरह जो है आपको ऑक्शन देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको ड्राफ्ट देखने को मिलता है जिसमें प्लेयर्स ड्राफ्ट किए जाते हैं। तो अच्छा खासा टाइम होता है फ्रेंचाइजी के पास अपने प्लेयर्स पिक करने के लिए। तो ऐसे में जो है कैंडी टस्कर्स जो टीम है जिसने इरफान पठान को लिया है, उन्होंने ही मुनाब पटेल को भी पिक कर लिया इस सीज़न के लिए। तो बहुत अच्छी खबर है मुनाब पटेल फैंस के लिए। बढ़ते नेक्स्ट स्टोरी में, बात कर लेते उस खबर के बारे में जिसके बारे में बहुत लोगों को सुनना था। ये जुड़ी है ईशांत शर्मा से बारे में, और गाइज आपको पता है कैसे उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी उनके पैर में, जिसके बाद वो बाहर हो गए थे। बट इसके बाद जो है BCCI ने जो है हमें बताया कि कैसे जो है वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में तैयारी कर रहे हैं, अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं, और अगर अपनी फिट हो जाते वो पूरी तरह से, तो ऐसे में जो है वो इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में आपको नजर आने वाले हैं। तो अच्छी खबर ये है, ईशांत शर्मा से रिलेटेड एक लेटेस्ट वीडियो पोस्ट हुई थी जिसमें वो क्लियरली जो है बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे थे, और कहीं ना कहीं ये हमें जो है दर्शा रहा दोस्तों कि ईशांत शर्मा ऑन टाइम रेडी हो जाएंगे फॉर द इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज। तो बहुत अच्छी खबर है टीम इंडिया के लिए। बढ़ते नेक्स्ट और फाइनल स्टोरी में, बात कर लेते उस मेजर स्टार के बारे में जिसने जो है रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। और ये गाइज, इनका नाम है उत्तर प्रदेश से आते हैं, इनका नाम है सुदीप त्यागी। 33 साल के ये प्लेयर है जिन्होंने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है हर फॉर्मेट से खेल के। अब मैं बताना चाहूँगा इनके बारे में, इन्होंने जो 4 मैचेस खेले इंडिया टीम के लिए, टीम इंडिया के लिए भी इन्होंने डेब्यू किया था 2009 में। और गाइज, यहाँ पे बताना चाहूँगा उन्हें जो है तीन जो है T20 इंटरनेशनल्स और एक ODI में खेलने का मौका मिला। इन्होंने एज ऑफ टोटल 3 इंटरनेशनल विकेट्स लिए, और साथ साथ बताऊँ तो IPL में भी इन्होंने जो है दर्जनों मैचेस खेले। साथ साथ दोस्तों बताना चाहूँगा, इनके करियर के लास्ट स्टेज में अगर आप देखो, ये पिछले तीन चार साल थे कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं बीते इनके लिए। तो इन्होंने फाइनली ये डिसीजन लिया, इन्होंने जो है अपनी लास्ट पोस्ट में थैंक यू बोला और स्पेशल थैंक्स दिया MS धोनी, सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ और RP सिंह को। उन्होंने बताया कि कैसे महेंद्र सिंह धोनी के अंडर में खेलना उनके लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात थी। साथ साथ उन्होंने रोल मॉडल्स मोहम्मद कैफ, RP सिंह और सुरेश रैना का भी धन्यवाद किया, और उन्होंने ये बोला कि कैसे वो अपने आप को शुक्रगुजार मानते हैं कि उन्हें जो है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। तो दोस्तों, हम सुदीप त्यागी को उनके फ्यूचर इंडेवर्स के लिए जो है ऑल द बेस्ट कहते हैं, और यही चाहेंगे आगे जाके उनके लिए सब चीज़ें अच्छी हो। तो यही तक था हमारा ये वीडियो दोस्तों, आशा करता हूँ पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले, साथ साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो और अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं आप सबने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।